अग्निकांड के बाद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, हादसे पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। जिस इलाके में हादसा हुआ विधायक और पार्षद दोनों ही आपके हैं। बिजली मीटर घरेलू लगा था जबकि फैक्ट्री चल रही थी। बीजेपी चाहती है केजरीवाल जवाब दें। मृतकों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। यह हादसा नहीं हत्या हुई है। देखिए अग्निकांड को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि ये बीजेपी की गलती का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। बिजली मीटर से लेकर तमाम जो एहतियात बरतने चाहिए थे वो आम आदमी पार्टी की सरकार के ना बरतने के कारण इस हादसे को अंजाम देने में कामयाब रहे। प्रेस वार्ता बहुत ही भारी मन से करने को मैं बैठा हूँ। कल सवेरे जो दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुई है जिसमें 43 गरीब मजदूरों की जान चली गई, घटना के बाद वहाँ पे कई लोग पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे, हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी भी पहुँचे, अनुराग ठाकुर जी भी पहुँचे, प्रवेश वर्मा जी पहुँचे और भी कई लोग पहुँचे और मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे वहाँ। लेकिन जैसे ही वहाँ पे दिल्ली सरकार के लोग पहुँचे, किसी न किसी बात से दोषारोपण शुरू किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरा सवाल है, हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का सवाल है, हम लोगों ने घटना पर पहुंचने के बाद सिर्फ एक ही बात कही, घटना बहुत दर्दनाक है और इस पे कम से कम 24 घंटा लिया जाना चाहिए, उसके बाद किसी फैक्ट पे पहुंचने के बाद ही बात होनी चाहिए। ये दिल्ली अनाज मंडी की दिल दहला देने वाली अग्निकांड की सच्चाई एक हफ्ते में दिल्ली की जनता के सामने लाए, ये हम उस रिपोर्ट को जनता के सामने आप सबके थ्रू रखेंगे। प्रेस